किस किस को ये टॉपिक सीखना चाहिए? वो स्टूडेंट जो क्लास 12th में है, तो एक क्वांटिटी के ऊपर काफी सारे बेस क्वेश्चन आते हैं मॉडुलस पर, अलजेब्रा ऑफ द मॉडुलस पर। वो बच्चे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मॉडुलस फंक्शंस के बारे में और उनमें यूज होने वाली जो इनइक्वालिटीज है उनका अलजेब्रा किस तरह सॉल्व होता है वो। किस किस को ये टॉपिक सीखना चाहिए? वो स्टूडेंट जो क्लास 12th में है, तो एक क्वांटिटी के ऊपर काफी सारे बेस क्वेश्चन आते हैं मॉडुलस पर, अलजेब्रा ऑफ द मॉडुलस पर। वो बच्चे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वैसे मॉडुलस फंक्शन तो कोई भी सीख सकता है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन पे मोस्टली बच्चों का कमांड नहीं होता है। आज मैं जो आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, उसके बाद आपको मॉडुलस फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें किस तरह का अलजेब्रा यूज किया जाता है, आप बहुत परफेक्टली सीख जाएंगे। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को मैं स्टार्ट करूं, एक छोटा सा नियम क्या है वो देखो। अगर ये मॉड एक्स लिखा है, तो ये याद रखो कि क्लास 11th, क्लास 12th और उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मॉडुलस फंक्शन ये कहता है कि एक बार ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा और एक बार पूरा का पूरा नेगेटिव। अगर हम क्लास 9th और 10th की बात करें, तो उन्होंने भी एक मॉड सीखा है जिसमें हम क्या कहते हैं कि मॉड से अगर कोई टर्म बाहर आएगा तो वो सिर्फ पॉजिटिव कहलाएगा, तो उनके लिए मॉड का सिर्फ उतना ही यूज है। लेकिन 11, 12th और हायर स्टडीज में मॉड इस तरह से स्प्लिट होता है, एक पूरा पॉजिटिव एक पूरा नेगेटिव, विद अ कंडीशन दैट, सोच के देखो कि अगर एक्स मॉड वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या तो जीरो से बड़ी हो सकती है। तो किन लिमिट्स के साथ? एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर एक्स का वैल्यू नेगेटिव निकला मॉड से बाहर, तो पक्की बात है नंबर लाइन पर नेगेटिव वैल्यू क्या है? जो जीरो से छोटी है। तो आप कभी भी किसी बुक में अगर लिखा हुआ देखोगे मॉड फंक्शन को, तो पॉजिटिव वैल्यू को हमेशा एक्स से ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो बताया होगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू की बात करें तो लेस देन जीरो बताया होगा। इसके ऊपर बेस कितने भी बड़े क्वेश्चन आ जाए, फिर अगर ये बात आपको समझ में आती है, तो फिर मुझे लगता नहीं कि आपको मॉडुलस फंक्शन में कहीं कोई दिक्कत आएगी। उसका एलजेब्रा सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान है। देखिए कैसे, चार तरह के रिजल्ट आपको मॉडुलस फंक्शन में सीखने हैं, ठीक है? और उन रिजल्ट्स के ऊपर ही पूरा मॉडुलस बेस्ड है। और चार रिजल्ट क्या है वो देखिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन आर, एक ये क्वेश्चन हो सकता है, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू आर, ये क्वेश्चन हो सकता है, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए ग्रेटर देन आर हो सकता है, और लास्ट मॉड ऑफ एक्स माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो सकता है। ये चार बेसिक हैं। अगर ये चारों बेसिक मॉड के आपको पता है, तो फिर समझ जाइए कि मॉड का कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर ही नहीं सकता। अब कंडीशन है कि सर अगर यहां प्लस होता तो सोचो आप प्लस को कैसे लिख सकते हो। मान लो क्वेश्चन अगर ऐसे होता, ध्यान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन होता, तो मैं तो आपको मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन आर बता रहा हूं, तो इसे कैसे लिखता फिर मैं? देखो जरा ध्यान से, फिर मैं इसको ऐसे लिखता। मतलब आपको क्वेश्चन माइनस लगा के सीखना है। अगर आपके क्वेश्चन में प्लस आ जाए तो ठीक है, उसको इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, माइनस ऑफ माइनस लगाकर, और फिर वही रूल लगा दीजिएगा जो आप अभी सीखेंगे। कहने का मतलब यह है, ये चार ही टाइप है सिर्फ मॉडुलस के अंदर जो आपको सीखने हैं, उसके बाद तो फिर मॉडुलस का कोई क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। चलिए इसकी बात करते हैं, इसे याद रखिएगा। तो जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर कोई नंबर जिस पर मॉड लग रहा हो, किस पर मॉड लग रहा हो, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, बिल्कुल वही करने वाले हैं। तो देखिए एक बार पूरा नंबर पॉजिटिव ले लेते हैं और एक बार पूरा नंबर नेगेटिव ले लेते हैं, और यहीं से देखो रिलेशन भी निकल के आ जाएगा। चेक करो क्या आएगा, एक्स माइनस ए लेस देन आर, इस ए को उधर लेके जाइए तो माइनस का ये उधर जा कैसा हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा। तो क्या रिलेशन आ गया कि एक्स इज लेस देन ए प्लस आर या आर प्लस ए, एक ही बात होता है। यहां चेक करो, माइनस का एक्स प्लस का ए लेस देन आर, इस ए को इधर लेके जाओ तो माइनस एक्स इज लेस देन आर माइनस ए। अगर मैं यहां एक्स से नेगेटिव साइन हटाऊंगा तो इनइक्वालिटीज का नियम होता है, ये जो इनइक्वालिटी है ये रिवर्स हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, चलिए वही करते हैं। तो एक्स इनइक्वालिटी रिवर्स कीजिए और साइन चेंज कर दीजिए, जरा चेक करिए, ये हो जाएगा
एक्स ग्रेटर देन ए माइनस आर। तो टोटल ये जो इनइक्वालिटी मेरे पास थी मॉड वाली कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन आर का टोटल आंसर क्या आया, आंसर आया ये जो एक्स का वैल्यू है ये छोटा है ए प्लस आर से, छोटा है ए प्लस आर से, लेकिन एक्स का वैल्यू बड़ा है ए माइनस आर से, बड़ा है ए माइनस आर से। बस ये रिलेशन आपको याद रखना है, अगर ये सॉल्व करना आता है तो रिलेशन याद रखना भी आसान है, वो तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे उसके ऊपर बेस क्वेश्चन करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। क्या मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अगर लेस देन आर है तो ये मॉड हटेगा तो एक्स का लिमिट क्या हो जाएगा, तो एक्स का लिमिट हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन ए माइनस आर एंड लेस देन ए प्लस आर, ठीक है। इसी तरह से अगर इसकी बात करें तो कोई चेंज ही नहीं है क्योंकि यहां सिर्फ लेस देन है और यहां लेस देन इक्वल टू, तो जो आपका फाइनल आंसर आया था उसमें लेस देन की जगह लेस देन इक्वल टू लगा देंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, देखो ध्यान से, एक बार पूरा पॉजिटिव लेंगे, एक बार पूरा नेगेटिव लेंगे, इसको क्या लिखेंगे x लेस देन इक्वल टू ए प्लस आर, और इसे कितना लिखेंगे देखिए माइनस का x प्लस ए लेस देन इक्वल टू आर, फिर a जाएगा इधर तो माइनस x लेस देन इक्वल टू आर माइनस ए। वही नियम कि अगर x से नेगेटिव साइन हटेगा तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी का नियम है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया और ये कितना हो गया चेक करो a माइनस आर, ठीक। अब इस पूरी इनइक्वालिटी इसमें मॉडुलस लगाए, इसको मॉडुलस हटा के अगर लिखना हो तो किस तरह से लिखा जाएगा देखो जरा कि x छोटा है या बराबर है, ध्यान से देखिए x छोटा है या बराबर है a प्लस आर के, बड़ा है या बराबर है a माइनस आर के। ये रिजल्ट तो बिल्कुल यही वाला हो गया ना, बस अंतर कितना है यहां इक्वल टू का साइन ज्यादा लगा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में भी इक्वल टू है तो आंसर में भी इक्वल टू रहेगा, क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं होगा तो आंसर में भी इक्वल टू नहीं आएगा, रिजल्ट दोनों का सेम है। तो इस तरह से ये दोनों इक्वालिटीज को सॉल्व करना है। वैसे तो आपको ये एक बार में समझ में आ जाना चाहिए लेकिन बार बार प्रैक्टिस से अच्छे से आ जाएगा। इन दोनों के लिए देखते हैं, बिल्कुल सेम नियम है, इसका जो आंसर आएगा उसमें बस मैं इक्वल टू लगा दूंगा तो इस वाले का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, चलिए थर्ड वाला क्या लिखा है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए ग्रेटर देन आर। नियम वही कि अगर किसी टर्म को मॉड से निकाला जाएगा तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, वही करेंगे। तो एक्स माइनस ए ग्रेटर देन आर, पहले पूरा पॉजिटिव ले लिया, माइनस ऑफ एक्स माइनस ए ग्रेटर देन आर, एक बार पूरा नेगेटिव ले लिया। चलिए यहां से x का वैल्यू कितना आया, x ग्रेटर देन a प्लस आर आ रहा है, यहां चेक करते हैं माइनस एक्स प्लस ए ग्रेटर देन आर, इस a को इधर लेके जाइए तो माइनस एक्स ग्रेटर देन आर माइनस ए, लेकिन वैल्यू तो x की निकालनी है जबकि यहां माइनस एक्स लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से माइनस हटाइए इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, x लेस देन a माइनस आर। अब मेरी दोनों साइड से मॉड चला गया है तो x का लिमिट क्या आ गया, कहने का मतलब कि ये जब पूरा मैंने सॉल्व किया तो मॉड हटेगा तो किस तरह से ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा x बड़ा है a प्लस आर से, x बड़ा है a प्लस आर से या r प्लस a की बात होता है तो, लेकिन छोटा है a माइनस आर से। बस ये रिजल्ट याद रखना है, जो कैसे आया वो मैंने आपको करना सिखा दिया। नियम एक ही ध्यान रखना था कि जब भी किसी नंबर को मॉड से निकालेंगे बाहर, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, और इस तरह से लिख दिया जाएगा। अगर मैं इस फाइनल रिजल्ट की बात करूं तो यहां पर कितना है, क्वेश्चन तो सेम ही है बस ग्रेटर देन इक्वल टू लग रहा है तो आंसर सेम रहेगा, बस यहां पर इक्वल टू का साइन और लग जाएगा, सॉल्व करने का तरीका सेम है। मैंने शुरू में भी आपको बताया कि ये चार जिसको सॉल्व करने आते हैं तो ध्यान रखिएगा कोई भी मॉडुलस का क्वेश्चन वो कर ही ना पाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और धीरे धीरे आपको मैं जब सॉल्व करके दिखाऊंगा तो और बेहतर समझ में आएगा। एक ही चीज थॉरली समझिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको मॉडुलस फंक्शन और उसमें यूज होने वाली इनइक्वालिटीज का अलजेब्रा परफेक्ट आ जाएगा। अब अगर मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करना है तो उसके लिए कुछ इनइक्वालिटीज के नियम आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, उसके ऊपर पहले बेस क्वेश्चन करके दिखाता हूं क्योंकि जब मॉडुलस फंक्शन सॉल्व करूंगा तब मुझे वो आपको सिखाना ही पड़ेगा। तो बाद में सिखाने से बेहतर पहले आपको इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं पहले वो सीखते हैं। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया इनइक्वालिटीज का,
सॉल्व लिखा हुआ है और कंडीशन है कि x माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर मॉडुलस के ऑलजिब्रा सीखना है तो पहले इनइक्वालिटी वाला ऑलजिब्रा सीखना पड़ेगा, मतलब मॉडुलस में आपको इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इस तरह की क्वेश्चंस को पहले निकाल लोगे तो फिर मॉडुलस करते समय आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इसको सीखना जरूरी है। पहली कंडीशन ये याद रखिए कि यहाँ पर जीरो ही होना चाहिए। अभी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जब यहाँ जीरो नहीं होगा तो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। पहली बात ध्यान रखना कि इनइक्वालिटीज जब होता है ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना वरना ये अलजेब्रा ही पूरा गलत हो जाएगा आपका इनइक्वालिटीज का। ठीक है, देखो क्या करें। जब भी आपको लगे कि आपके पास एक फ्रैक्शनल नंबर है एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फाइव, मतलब आरएचएस में आपको जीरो मिल चुका है, तो लॉजिक क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जीरो के इक्वल रख दे। हाँ जी, जीरो के इक्वल रख दे। अगर यहां लेस देन भी होता तब भी मैं जीरो के इक्वल ही रखता और क्या करता, एक्स का वैल्यू निकालता जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो चलो इसको जरा जीरो रखते हैं। तो अगर मैं जीरो रखूं तो x माइनस थ्री भी जीरो और x माइनस फाइव भी जीरो। तो यहां से देखो x का वैल्यू एक तीन आ गया और x का वैल्यू मेरे पास पांच आ गया। और इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ध्यान से देखिएगा नंबर लाइन कहां से कहां तक की होती है, वो होती है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक की। दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करो, पहले तीन आएगा बाद में पांच आएगा, इतना क्लियर। ध्यान से देखें तो इस नंबर लाइन पे तीन इंटरवल बन चुके हैं, क्या, माइनस इंफिनिटी से तीन, माइनस इंफिनिटी से तीन, तीन से पांच और पांच से इंफिनिटी। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये तो तीन इंटरवल है, कौन सा इंटरवल पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव ये जानना सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करो, किसी भी तीन इंटरवल के बीच का कोई सा भी नंबर ले लो, ये आपकी चॉइस है। तो मैं क्या करता हूं, देखो पांच से इंफिनिटी के बीच में कोई नंबर लेता हूं, आप तीन से पांच के बीच में भी ले सकते हो और तीन से लेके माइनस इंफिनिटी के बीच में भी ले सकते हो, लेकिन आसान कौन सा होता है, क्योंकि यहां तो चलो पॉजिटिव सारे ही हैं, इस वाले नंबर को हमेशा रखना जिससे पॉजिटिव ही मिले हमेशा आपको। ठीक है, तो पांच से लेके इंफिनिटी के बीच में कोई नंबर लो, छह ले लो, सात ले लो, आठ ले लो, आपकी चॉइस है, छह ले लेते हैं। इस छह को अपने इस फ्रैक्शन में पुट करना, देखो जरा, छह माइनस तीन, छह माइनस पांच कितना आ गया, चेक करो, तीन अपॉन एक, चेक करो ये पॉजिटिव आंसर आया। इसका मतलब ये हुआ कि पांच से लेकर इंफिनिटी तक की कोई भी वैल्यू डालने पर ये जो फ्रैक्शन है हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ध्यान रखो ये दोनों फिर कैसे आएंगे, ऑल्टरनेट आएंगे। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर आपने तो फाइव से ऊपर की वैल्यू डाल ली, अगर मान लो मैं बीच की इसकी कोई वैल्यू डाल देता तो 100% नेगेटिव ही आता। करके देख लो, तीन से और पांच के बीच में नंबर लेना, बीच में, चलो मैंने चार ले लिया तो जरा पुट करना इसमें, चार माइनस तीन अपॉन चार माइनस पांच, एक अपॉन माइनस एक माइनस वन, नेगेटिव वैल्यू आ गया। तो मैं यहां नेगेटिव लिखता और फिर मैं क्या कहता कि बचे हुए दोनों इंटरवल को ऑल्टरनेट कर दो, अगर ये नेगेटिव आ गया तो इसको पॉजिटिव और इसको पॉजिटिव। तो इसलिए आपका सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जितने इंटरवल्स बने हैं उसमें कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, उसके लिए किसी भी इंटरवल में एक वैल्यू, बीच की वैल्यू लेकिन, अपने फंक्शन में डाल दीजिए। फंक्शन पॉजिटिव आया तो वो इंटरवल पॉजिटिव और सारे नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेट के हिसाब से, अगर फंक्शन नेगेटिव आया वो वाला तो और सारे नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेट के हिसाब से। ठीक है, तो मुझे पता चला कि ये जो मेरा फंक्शन है वो यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव। लेकिन सोचने वाली बात यह है, मुझे फंक्शन को कैसा प्रूफ करना है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब मेरा फंक्शन वो इंटरवल चूज करेगा जहां पर पॉजिटिव वैल्यू, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव ही तो हुआ, तो चेक कर लो कहां कहां पॉजिटिव है। तो माइनस इंफिनिटी से थ्री भी पॉजिटिव है, फाइव से लेके इंफिनिटी भी पॉजिटिव है, तीन से लेके पांच नहीं लेंगे। लेकिन एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने वाली है कि x माइनस पांच, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आंसर जीरो नहीं आ सकता, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती। तो ये बात तो कंफर्म है कि दिस x माइनस फाइव विल नेवर बी इक्वल टू जीरो, हाँ ऑब्वियस सी बात है। और इसको सॉल्व करो, q
एक्स की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती, 5 के बराबर नहीं हो सकती, ये बात कंफर्म है। तो देखो हमारा इंटरवल क्या है, हमारा इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से 3। अब यहां पर ब्रैकेट कौन से लगाने हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी के लिए बात बताई जा रही है। ओपन ब्रैकेट, इंफिनिटी नेगेटिव हो इंफिनिटी पॉजिटिव हो, हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा। ओपन का मतलब होता है कि आप इस माइनस इंफिनिटी को कभी यूज नहीं कर सकते अपने क्वेश्चन में, ठीक है। अब 3 के पास अभी छोड़ देते हैं यूनियन 5 से लेके इंफिनिटी। तो इंफिनिटी के पास तो कभी भी ध्यान रखना आपको क्लोज ब्रैकेट लगाना ही नहीं है, हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाना है। अब दिक्कत है 3 के पास कौन सा ब्रैकेट लगेगा या 5 के पास कौन सा ब्रैकेट लगेगा। तो देखो क्वेश्चन में दिया है कि वैल्यू 5 के बराबर हो ही नहीं सकती, डिनोमिनेटर में है ना, तो 5 के बराबर नहीं हो सकती, बड़ी हो सकती है छोटी हो सकती है। तो पक्की बात अगर बराबर नहीं है तो यहां पर भी ओपन ब्रैकेट लगेगा, अगर बराबर वर्ड होता तभी आप क्लोज ब्रैकेट लगाते। अब 3 के बराबर होगी या बड़ी होगी पता नहीं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में भी आपके पास बराबर दिया ही नहीं है, तो हमें भी नहीं पता, यहां पर भी आ गया ओपन ब्रैकेट। ओपन का मतलब होता है कि इन दोनों बाउंड्री वैल्यू को हम यूज नहीं कर सकते, सिर्फ बीच की वैल्यू यूज करते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था ना 5 से बड़ी लेना, 5 मत लेना, 3 और 5 के बीच की लेना, 3 भी नहीं लेना 5 भी नहीं लेना, क्योंकि पहली बात तो यहां इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू का साइन ये शो करता है कि आपको बाउंड्री वैल्यूज भी ले सकते हो, और फिर ब्रैकेट कैसा लगता, क्लोज लग जाता जहां पर इक्वल टू लिखा होता, क्योंकि क्वेश्चन में ही इक्वल टू नहीं है तो यहां पर क्लोज ब्रैकेट का कोई फंडा ही नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, एक्स बिलोंग्स टू, यहां जो एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से 3 5 से इंफिनिटी, सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन तो बिल्कुल वही है, सॉल्व ही करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, लेकिन याद रखना ग्रेटर देन 2 है इस बार, और मैंने क्या बोला था कि यहां पर 0 होना चाहिए 2 की जगह, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकता। तो देखो एक ही तरीका है इसको सॉल्व करने का, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, बस 2 को क्या इधर ले आएंगे और अब सॉल्व करेंगे जैसे आप सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व करते हो। तो चलिए एक्स प्लस 5 एलसीएम आ गया, तो कितना आएगा, एक्स माइनस 2 माइनस 2 एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब जरा देखो तो एक्स माइनस 2 माइनस का 2x माइनस का 10 होल अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0, ये कितना आ गया, माइनस एक्स माइनस का 12 माइनस एक्स माइनस का 12 एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया एक्स प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। और अगर यहां से इस नेगेटिव साइन को उधर लेके जाएंगे इनइक्वालिटी के, तो क्या नियम बताया था, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो एक्स प्लस 12 एक्स प्लस 5 लेस देन 0। एक्चुअल में पहले इस इनइक्वालिटी को इसमें चेंज करना है, उसी के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर इस क्वेश्चन को आप यहां तक नहीं लेके आए तो फिर समझ लेना कि आपने अगर कुछ भी किया तो वो गलती माना जाएगा। अब हमने क्या बताया था, अगर आपके इधर RHS में 0 आ चुका है तो इन दोनों वैल्यूज को प्लॉट करो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, मतलब इक्वल टू 0 करके नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। तो चेक करो यहां से वैल्यू अगर प्लॉट करेंगे 0 के इक्वल तो ये आएगा माइनस का 12, और ये प्लॉट करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 5। चलिए अब इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कीजिए, नंबर लाइन कहां से कहां तक की होती है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक की। तो पहले कौन आएगा, पहले माइनस का 12 आएगा, फिर माइनस का 5 आएगा। देखो इस बार भी 3 इंटरवल्स बन गए, माइनस इंफिनिटी से माइनस 12, माइनस 12 से माइनस 5, और माइनस 5 से इंफिनिटी। चेक करना है कि कौन सा आपका जो इंटरवल है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके लिए कोई एक वैल्यू बीच की डालनी पड़ेगी, कहीं की भी डाल सकते हो वैसे। तो देखो माइनस 5 या माइनस 12 देख लो इस इंटरवल को, या माइनस 5 से इंफिनिटी देख लो। तो माइनस 5 से इंफिनिटी देखोगे तो कितना आएगा, माइनस का आपके पास 4 आ जाएगा, तो माइनस 4 डालते हैं अपने फंक्शन के अंदर। तो देखो माइनस 4 प्लस 12 माइनस 4 प्लस 5, तो साफ दिख रहा है कि वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव, ये इंटरवल पॉजिटिव आ गया। और मैंने क्या बताया था, जो इंटरवल होते हैं वो ऑल्टरनेटिवली साइन के होते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। लेकिन इस बार चेक करो मुझे फंक्शन कैसा चाहिए, लेस देन 0 चाहिए,
मतलब सिर्फ मुझे नेगेटिव वाला इंटरवल ही चाहिए। नेगेटिव वाला इंटरवल कहां से कहां तक है? -12 से -5 तक। x बिलोंग्स टू -12 से -5 तक। ब्रैकेट तो मैंने लगाया ही नहीं, क्लोज या ओपन। क्या आपको आपके क्वेश्चन में यहां पर कोई इक्वल टू का सिंबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो पक्की बात है जब इक्वल टू नहीं है तो क्लोज ब्रैकेट भी आ नहीं सकता। यहां पर भी ओपन ब्रैकेट आएगा, यहां पर भी ओपन ब्रैकेट आएगा। एक चीज और, ये जो ओपन ब्रैकेट मैंने लगाए हैं, इसका एक और सिंबॉलिक फॉर्म है, दूसरे तरीके से लगा के दिखा सकते हो। देखो कैसे, इसको भी ओपन ब्रैकेट ही बोलते हैं। अलग अलग बुक अलग अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन देती है, ये लगाओ या ये लगाओ, दोनों एक ही चीज है। तो फाइनल आंसर आया कि जो x बिलोंग कर रहा है -12 से -5 तक। क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख दिया है। इस बार मैंने क्वेश्चन कैसा लिया है, जिसमें देखो इक्वल टू का सिंबल भी है, तो ये इक्वल टू आपके क्वेश्चन पे क्या फर्क डालेगा वो देखेंगे। फर्क मालूम है कहां डालेगा? सिर्फ जब आप लास्ट में फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू लिख रहे होगे तो ओपन ब्रैकेट आना है या क्लोज ब्रैकेट, बस उस पर फर्क डालेगा, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है। चलिए दिखाता हूं किस तरह से। पहला नियम कि ये जो RHS है यहां पर ये जीरो होना चाहिए था, अब जीरो तो लिखा नहीं, तो क्या करेंगे, इस 5 को इधर लाएंगे, तो 2x plus 4 upon x minus 1 minus 5 greater than equal to 0। नीचे 1 लगाया और LCM लिया, बिल्कुल जैसे LCM लेते हैं सिंपल, तो कितना आएगा देखो, ये आएगा आपके पास 2x plus 4 minus का 5x minus 1 greater than equal to 0। चलिए ओपन करिए, 2x plus 4 माइनस का 5x प्लस का 5 होल अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कितना आ गया देखो, ये आएगा माइनस का 3x प्लस का 9 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो न्यूमरेटर है आपका ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। किस तरह से देखो, माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा, तो 3x माइनस का 9 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लॉजिक वही कि ये नेगेटिव साइन अब जाएगा उधर, और उधर गया तो पक्की बात ये इनइक्वालिटी हो गया रिवर्स, तो कितना आएगा देखो, 3x माइनस 3, 3 भी कॉमन ले लिया है, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ये माइनस जैसे ही गया इस तरफ, इनइक्वालिटी को उसने कर दिया रिवर्स, बस आपका अब ये वो फ्रैक्शन है जो मुझे सॉल्व करना है। दोनों नंबरों को पहले प्लॉट करता हूं नंबर लाइन पर, जीरो के इक्वल रखें, तो अगर मैं इसको जीरो रखूंगा तो कितना वैल्यू आ जाएगा, पहला क्रिटिकल पॉइंट 3, और अगर इसको रखूंगा तो 1 आ जाएगा। चलिए अभी नंबर लाइन पर इन्हें प्लॉट करते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो पहले 1 आएगा फिर 3 आएगा, देखिए फिर से 3 इंटरवल बन गए। अब कौन सा इंटरवल नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव, मैंने क्या बताया था, किसी एक इंटरवल को ले लो, मान लो लेते हैं 3 से बड़ा, 3 से लेके इन्फिनिटी की जगह कोई भी नंबर डाल सकते हैं ना, चलो 4 ले लेते हैं, और 4 अपने इस फ्रैक्शन में पुट करते हैं, तो 4 माइनस 3 और 4 माइनस 1, तो देखिए पूरा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ये कट के कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव, तो पक्की बात ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। लेकिन मुझे कैसा फंक्शन चाहिए, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब मुझे आंसर नेगेटिव चाहिए, तो चेक करिए कहां पर मेरा फंक्शन नेगेटिव है, 1 से लेके 3 के बीच में। तो कैसे लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू 1, 3। अब दिक्कत है यहां 1 के पास कौन सा ब्रैकेट आएगा और 3 के पास, ये देखना जरूरी है, तो देखो ध्यान से जरा, x माइनस 1 डिनोमिनेटर में है ना, और x माइनस 1 डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर 0 के बराबर तो हो नहीं सकता, तो x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये तो कंफर्म है कि ये जो x की वैल्यू है ये तो कभी 1 के बराबर नहीं हो सकती, और अगर बराबर नहीं हो सकती तो ब्रैकेट कौन सा आएगा, ब्रैकेट आएगा आपके पास ओपन। लेकिन हाँ, एक्स माइनस 3 बिल्कुल 0 के बराबर हो सकती है, क्योंकि देखो इक्वल टू तो है ना यहां पर, तो पक्की बात है यहां आ गया क्लोज ब्रैकेट, तो आपका जो x बिलोंग कर रहा है वो 1 से तो बड़ा होगा लेकिन 3 के बराबर भी हो सकता है, 3 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यू है ये लेस देन शो कर रहा है कि नेगेटिव वैल्यू, और इक्वल टू शो कर रहा है कि आप वहां पर एक क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हो। फिर बता देता हूं कि मैंने 1 के पास क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, वैसे तो 1 और 3 दोनों के पास क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि 1 डिनोमिनेटर में, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 0 वैसे भी नहीं आ सकता, तो पता चला कि x इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब x 1 के बराबर नहीं होगा, और 1 के बराबर नहीं होगा तो पक्की बात क्लोज ब्रैकेट भी नहीं आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। ये लीजिए फाइनल आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसी तरह का ही क्वेश्चन है तो इस बार भी इक्वल टू, देखो क्या चेंजेस आते हैं, कहां पर आपके
लगेगा ओपन ब्रैकेट कहाँ क्लोज ब्रैकेट, लेकिन कंडीशन पहली है कि यहाँ जीरो होना चाहिए, अब जीरो तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इस टू को पहले इधर लाऊंगा और सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा। चलिए पहले वही करते हैं, ठीक है, लीजिए एलसीएम लीजिए कितना आएगा, तो एक्स माइनस टू, तो यहां पर आएगा एक्स प्लस थ्री माइनस ऑफ टू, एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो, सॉल्व करिए, एक्स प्लस थ्री माइनस का टू एक्स प्लस का फोर होल अपॉन एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। अगला देखिए तो आएगा माइनस एक्स प्लस सेवन अपॉन एक्स माइनस लेस देन इक्वल टू जीरो, क्या बताया था यहां से माइनस कॉमन लीजिए, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, चेक करिए, और अगर इस माइनस को यहां से हटा के उधर लेके जाएंगे तो क्या चेंज आएगा, ये जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, तो देखिए कितना आएगा x माइनस सेवन अपॉन x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों फ्रैक्शन को इंडिविजुअली जीरो के बराबर रखिए और x का वैल्यू निकालिए जिसे हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, तो चलिए क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो ये क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, रखिए जीरो के बराबर दोनों को, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा सात और यहां से x का वैल्यू आ जाएगा दो। दोनों क्रिटिकल पॉइंट को अपने नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए जो कि माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी की होती है हमेशा, दो और सात। फिर से देखिए तीन इंटरवल बन गए, अब कौन सा इंटरवल पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, तो किसी एक इंटरवल की वैल्यू ले लो, सात से बड़ी वैल्यू ले लो, आठ आ गया, पुट करो अपने फंक्शन में, तो आठ माइनस सात और आठ माइनस दो एक बटा छः, तो पक्की बात कैसा वैल्यू आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगर ये इंटरवल पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। आप चेक करो आपको फाइनल आंसर कैसा चाहिए, ग्रेटर देन जीरो है ना, तो ग्रेटर देन जीरो शो करता है कि जो इंटरवल पॉजिटिव है वही आपका आंसर है। अब पॉजिटिव देखो कहां कहां पर है, माइनस इनफिनिटी से दो के बीच में पॉजिटिव है और सात से लेके इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव है। मैंने क्या बताया था, जो इन्फिनिटी होता है वहां पर तो कभी आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आएगा। अब दिक्कत है यहां टू के पास कौन सा ब्रैकेट आएगा और सेवन के पास, तो उसके लिए इधर फंक्शन चेक करो, इसका डिनोमिनेटर x माइनस टू जो कि जीरो नहीं हो सकता, तो चेक करो कि अगर x माइनस टू जीरो नहीं हो सकता तो यहां से क्या निकल के आएगा कि x दो के बराबर तो नहीं होगा, और अगर x दो के बराबर नहीं हो सकता तो पक्की बात है वहां पर एक क्लोज ब्रैकेट भी नहीं आ सकता, तो टू के पास क्या आएगा, टू के पास आएगा ओपन ब्रैकेट। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत सेवन के साथ तो नहीं है, क्योंकि इक्वल टू लग रहा है तो दो और सात दोनों के साथ इक्वल टू आना चाहिए। प्रॉब्लम यह है क्योंकि x माइनस टू डिनोमिनेटर में है, तो ये बात ही पक्की है कि यहां से दो तो नहीं हो सकता x के बराबर, तो नहीं हो सकता तो वहां पर आ गया ओपन ब्रैकेट। लेकिन सेवन के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो पक्की बात है यहां आ गया आपका क्लोज ब्रैकेट और यूनियन लगा दिया। तो फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर आया कि x बिलोंग कर रहा है, x की वैल्यू कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से दो तक, जिसमें दोनों ही बाउंड्री वैल्यूज आप नहीं ले सकते हो, दोनों में ओपन ब्रैकेट है, यूनियन सेवन से लेके इंफिनिटी। अब सेवन पर क्लोज ब्रैकेट हो तो सेवन लिया जा सकता है या उसके बीच में कोई वैल्यू, और कहां तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी में तो वैसे भी आपको किसी तरह का कोई क्लोज ब्रैकेट लगाना ही नहीं होता। यहां दोनों आपके ओपन ब्रैकेट आ गए, टू के पास भी ओपन ब्रैकेट आ गया और सेवन के पास आ गया क्लोज ब्रैकेट। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए एक मैंने मॉड वाला ही क्वेश्चन लिया है, सिंपल सा। अगर आपको पीछे बताए गए चारों क्वेश्चन परफेक्टली क्लियर है तो फिर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगा। देखो जरा, सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन लिया है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। तो शुरू में मैंने आपको चार कंडीशंस बताई थी, उसमें से कंडीशन ये थी कि मॉड ऑफ एक्स माइनस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आर है तो एक्स बड़ा होगा या बराबर होगा ए प्लस आर के, छोटा होगा या बराबर होगा ए माइनस आर के। बस ये रिजल्ट याद रखिए, आंसर आपका दो स्टेप पे आ जाएगा। देखिए कैसे, मतलब कह सकते हैं कि ए का वैल्यू टू हो गया और आर का वैल्यू फाइव। चलिए रखिए एक एक करके रखते हैं। पहला कंडीशन है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस r, बिल्कुल वही लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू a, a का वैल्यू 2 है प्लस r का वैल्यू 5 है, तो क्या आंसर आ गया, देखो पहला सीधा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। दूसरी कंडीशन क्या चेक करो कि x छोटा है और बराबर है a माइनस r के। बस रिजल्ट याद होना चाहिए, सिर्फ वैल्यू डायरेक्टली पुट करना है। और ये रिजल्ट कैसे आया था, इन चारों को मैंने आपको अलग अलग सॉल्व करके दिखाया था। तो देखिए x लेस देन इक्वल टू a कितना है 2 माइनस r, r कितना है 5, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस का 3। अब इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करके फाइनल आंसर निकालते हैं। देखो जरा ध्यान से चेक करेंगे, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की हमारी नंबर लाइन होती है,
इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट को माइनस तीन और सात को पहले प्लॉट करेंगे। तो पहले माइनस तीन आता है, बाद में सात आता है। अब जरा ध्यान से देखना किस तरह से नंबर लाइन प्लॉट की जाती है। x की वैल्यू सात के बराबर है और सात से बड़ी है, तो ध्यान रखना अगर सात के बराबर है तो सात पर ऐसा गोला बनाइए और इस गोले को फिल कर दीजिए। ये गोले का फिल होना ये शो करता है कि वैल्यू सात के बराबर है और सात से बड़ी भी है। तो देखो सात से बड़ा इधर होगा और सात से छोटा इधर। आप क्या करोगे, यहां से एक एरो दिखाइए और ऐसे बना दीजिए। ये आपको शो करके दे रहा है नंबर लाइन पर कि x की वैल्यू सात के बराबर है क्योंकि आपने गोला भर दिया और एरो उस तरफ चला गया तो सात से बड़ा। x की वैल्यू माइनस तीन के बराबर है, माइनस तीन के बराबर है तो पहले गोले को भरिए, ये देखिए ठीक। अब कह रहा है माइनस तीन से छोटी, तो ध्यान रखो माइनस तीन से बड़ी वैल्यू सीधे हाथ पर, छोटी वैल्यू हमेशा उल्टे हाथ पर। हमेशा ध्यान रखना किसी नंबर की बड़ी वैल्यू उसके सीधे हाथ पर होती है, छोटी वैल्यू उसके उल्टे हाथ पर। आपकी वैल्यू एक्स से क्या है, माइनस तीन से छोटी, तो माइनस तीन से छोटी वैल्यू किधर आएगी, इधर चली जाएगी। तो अब आपका फाइनल आंसर क्या है, तो फाइनल आंसर आपका ये रहेगा। ध्यान से देखिए ये जो शेडेड पोर्शन है, तो यहां शेडेड पोर्शन के हिसाब से इंटरवल क्या आएगा, देखो एक तो वैल्यू है माइनस इंफिनिटी से माइनस तीन, चेक करो यहां पर इक्वल टू लगे हुए ना और मैंने गोला भर भी दिया है, तो यहां आ गया क्लोज ब्रैकेट। इंफिनिटी तो कभी क्लोज ब्रैकेट लगता ही नहीं, यूनियन सेवन पर फिर क्लोज ब्रैकेट और इंफिनिटी, मतलब फाइनल आंसर इज जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, जो एक्स बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, लिख लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री, माइनस थ्री क्लोज ब्रैकेट, यूनियन सेवन से इंफिनिटी, सेवन पर फिर से क्लोज ब्रैकेट, क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लिख दिया मैंने मॉडुलस वाला कि मॉड ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेस देन इक्वल टू थ्री। अब इसको एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, देखो दो हिस्सों में तोड़ेंगे, पहले इतने हिस्से को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है देखो कि मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू बड़ा है या बराबर है एक के, बड़ा है या बराबर है एक के। तो देखो इससे जुड़ा हुआ रिजल्ट हमने क्या पढ़ा था, मॉड ऑफ एक्स माइनस है बड़ा है या बराबर है आर के, उसके लिए रिजल्ट हमने लिखा हुआ है। तो बिल्कुल उसी तरह से रिजल्ट को यूज करेंगे, किस तरह से, देखो पहला रिजल्ट है एक्स बड़ा है या बराबर है ए प्लस आर के, या फिर एक्स छोटा है या बराबर है ए माइनस आर के, जिसमें देखो ए का वैल्यू कितना हो गया टू हो गया और आर का वैल्यू कितना हो गया वन हो गया। चलिए यूज करते हैं, तो एक्स बड़ा है या बराबर है ए प्लस आर के, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री पहला रिजल्ट। दूसरा देखिए एक्स लेस देन इक्वल टू ए माइनस आर, ए मतलब टू आर मतलब वन, एक्स लेस देन इक्वल टू वन। दो आंसर तो यहां से आ गए, दोनों को लिख लेता हूं क्योंकि यहां से टोटल दो आंसर यहां से आएंगे और अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो दो आंसर वहां से, टोटल चार आंसर आएंगे तब आपका फाइनल आंसर आएगा एक्स का, ठीक है। तो यहीं लिख लेते हैं इसको, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, एक्स लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए ये वाला, ये कितना लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू थ्री, मतलब ये रिजल्ट लगेगा। रिजल्ट क्या है कि जो एक्स है वो बड़ा है बराबर है a माइनस आर के, और जो x है छोटा है और बराबर है a प्लस आर के। बस ध्यान रखना है ये रिजल्ट जो आपको शुरू में चार रिजल्ट सिखाए उन्हें याद रखिएगा, दिक्कत होना ही नहीं है फिर, ठीक है। तो a का वैल्यू टू हो गया, r का वैल्यू थ्री हो गया, पुट करते हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस आर, a माइनस आर, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। ये अगला रिजल्ट, इसमें चेक करिए x लेस देन इक्वल टू a प्लस आर, तो a इज टू R is 3, x less than equal to 5. कुल मिला के चार रिजल्ट आ गए, अब चारों को ही नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो इसको भी लिख देता हूं, x greater than equal to minus 1 और x less than equal to 5. अब ये चार क्रिटिकल पॉइंट है, माइनस वन, वन, थ्री और फाइव, नंबर लाइन पे प्लॉट करके फाइनल आंसर लेके आते हैं। चलिए इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, तो अगर मैं नंबर लाइन पर प्लॉट करूं तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में, तो सबसे पहले यहां पर माइनस वन आएगा, फिर वन आएगा, फिर थ्री आएगा और फिर फाइव आएगा। चलिए एक एक करके सारे वैल्यूज को बताते हैं। एक्स बड़ा है बराबर है तीन के, तो बराबर है तो पहले गोले को भरिए। अब कह रहा है बड़ा है तो पक्की बात इस नंबर के राइट पर बड़ा है, लेफ्ट पर छोटा, ये लीजिए, ठीक है। फाइव ले लेते हैं,
x की वैल्यू 5 के बराबर है, तो बराबर है तो गोला भर दीजिए, लेकिन 5 से छोटा है, छोटा है तो इधर आएगा। इस तरह से हमेशा लेफ्ट में छोटा राइट में बड़ा। अब 1 की बात करें तो 1 के देखिए बराबर तो है, बराबर है तो पहले गोला भर देते हैं, लेकिन 1 से छोटा है, अब 1 से छोटा मतलब आपके लेफ्ट में ही आएगा, माइनस वन रह गया, माइनस वन के बराबर तो है, तो बराबर है तो पहले गोला भरिए, लेकिन माइनस वन से बड़ा है, बड़ा है तो राइट में जाएगा। अब दिक्कत है यहां पर, इतनी सारी लाइनें इधर उधर हो गई हैं, फाइनल आंसर कहां है? तो जहां पर तीनों लाइनों ने एक साथ इंटरसेक्ट किया है उतना हिस्सा आपका आंसर है। तो चेक करो, 1 2 3 चेक करो, तीनों लाइनें यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है एक साथ, ये आपका आंसर है। 1 2 3 चेक करो, ये जितना भी हिस्सा है ये इस इंटरवल तक का सारा आंसर है। तो देखो तीन लाइन इंटरसेक्ट किया कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से 1 तक। अभी मैं ब्रैकेट कौन से लगा रहा है वो नहीं बता रहा। और अगला देखो, जहां पर तीन लाइन इंटरसेक्ट किया है 3 से लेके 5 तक। अब चेक करते हैं कहां कहां पर लगेगा ओपन, कहां कहां लगेगा क्लोज। दिक्कत है इंफिनिटी तो कोई है ही नहीं, तो ओपन तो यहां आना नहीं है, और देखो चारों में इक्वल टू लग रहा है, तो ये भी कंफर्म है कि चारों के चारों में यहां पर लगेगा आपको क्लोज ब्रैकेट। तो देखो ये भी क्लोज ब्रैकेट यूनियन, ये भी क्लोज ब्रैकेट, तो यहां पर फाइनल आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -1 to 1 यूनियन 3 to 5। क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए मॉडुलस का एक और एग्जांपल लिख दिया। इस बार है कि x -2 मॉड के अंदर लेस देन इक्वल टू 5 एंड मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है जो मैंने आपको यहां लिख दिया है, उस हिसाब से देखो a आपका हो गया 2 और r आपका हो गया 5। तो क्या कंडीशन है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस r और x लेस देन इक्वल टू a प्लस r। तो चलिए ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू a मतलब 2 माइनस का 5, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 पहला रिजल्ट यहां आ गया। दूसरा चेक करिए, x लेस देन इक्वल टू a प्लस r, तो a हो गया 2 और r हो गया 5, तो x लेस देन इक्वल टू 7। दो रिजल्ट तो आपके यहां से आ गए, अभी दो रिजल्ट यहां से भी आने, तो पहले इनको लिख देता हूं अलग से। देखिए कितना आया, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, एक रिजल्ट आया x लेस देन इक्वल टू 7। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर किसी टर्म को मॉड से बाहर करेंगे तो एक बार पूरा पॉजिटिव और एक बार पूरा नेगेटिव, तो ये तो फाइनल आंसर ही है, लेकिन ये वाला जो माइनस है वो जब उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। यही सीख रहे हैं कि अगर x से नेगेटिव साइन हटाएंगे तो ये इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स हो जाएगा। तो कुल मिला के 4 आंसर आ गए, 2 ऊपर रहे और 2 इन्हें लिख देता हूं इधर। अब इन्हें किस तरह से नंबर लाइन पर प्लॉट करके और फाइनल आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। ये नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं, अगर मैं नंबर लाइन पर प्लॉट करूंगा तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच की ही नंबर लाइन होती है। तो पहले कौन प्लॉट होगा, पहले माइनस का 3 प्लॉट होगा, फिर माइनस का 2 प्लॉट होगा, फिर 2 प्लॉट होगा और फिर 7 प्लॉट होगा। एक एक करके देखते हैं, इसे ले लेते हैं सबसे पहले। एक्स की वैल्यू बड़ी है -3 से, बराबर है -3 के, तो बराबर है ना, तो पहले -3 का गोला भरो। अब बड़ी है, बड़ी वैल्यू हमेशा राइट में आएगी, ये लीजिए चली गई, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं 2 वाली, चलो तो x बराबर है 2 के, तो पहले 2 के बराबर करो, बराबर के लिए गोला भरिए, और बड़ा करना है तो बड़ा भी हो गया राइट साइड में, ठीक। 7 के बराबर 7 से छोटी, तो पहले बराबर, बराबर के लिए गोला भरिए और छोटी वैल्यू, अब छोटी वैल्यू है तो पक्की बात लेफ्ट में जाएगी, ठीक। और -2 रह गया, -2 के बराबर ही है, तो बराबर के लिए गोला तो भरना ही पड़ेगा। गोला भरने का मतलब है कि सब पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है, और कोई लॉजिक नहीं है इसका। और -2 से छोटी, अब छोटी वैल्यू है तो पक्की बात है इधर जाएगी। अब यहां पर भी वही दिक्कत, फाइनल आंसर कहाँ है, क्योंकि तो बहुत सारी लाइनें हो गई। तो मैंने क्या बताया था, जहां तीनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो चेक करो इस वाले हिस्से को ध्यान से देखो, तो देखो तीनों लाइन टच कर रही है, तो -3 से -2 पहला आंसर हुआ। और यहां पर भी देखो तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, लेकिन सिर्फ इतने से हिस्से में, क्योंकि यहां तो सिर्फ 2 लाइनें रह गई। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, x बिलोंग करेगा -3 से -2। और मैंने दोनों में क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि देखो सबके गोले भरे हुए हैं, और ऐसा भी देख सकते हो इक्वल टू सभी में, तो क्लोज तो लगने ही लगना है, यूनियन 2 to 7। तो x बिलोंग्स टू -3 to -2 यूनियन 2 to 7, फाइनल आंसर आ गया।
चलिए एक मॉड का एक बेहतरीन बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। एक्चुअल में इस तरह के क्वेश्चनों के लिए अब तक का सारा कंसेप्ट सीखा गया है। अब अगर पीछे का पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपको काफी आसान रहेगा। अब देखो, न्यूमरेटर में मॉड है, डिनोमिनेटर में मॉड है, तो इसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले क्या करिए, लेट करिए मॉड एक्स को वाई। अगर मॉड एक्स को वाई पुट करेंगे तो देखो क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। y माइनस वन, y माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और मेरे ख्याल से इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल तो मैंने आपको शुरू में ही सॉल्व कर दिए हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था ना कि अगर मॉड फंक्शन सॉल्व करने तो इस तरह की इनइक्वालिटीज के जो अल्जेब्रा होता है उसका आना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन तो हमने अभी कितनी बार पीछे एग्जाम्पल में सॉल्व करके आपको दिखाएं, आपको अगर वो अच्छे से क्लियर है तो ये वाला कंसेप्ट आपको परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इक्वल में जीरो है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं इसको जीरो के बराबर रखकर अपने क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। अब चेक करो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, वाई इक्वल टू वन आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू टू आ जाएगा। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों वैल्यूज को जीरो के बराबर रखिए और क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। चलिए नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखिए। तो वन और टू, तो पहले पक्की बात वन आएगा, बाद में टू आएगा। फिर हम क्या चेक करते हैं यहाँ पर, ये जो तीन इंटरवल बने हैं, अब इसमें से पॉजिटिव कौन नेगेटिव कौन, चलिए चेक करिए। दो से बड़ा, तो तीन वैल्यू ले लेते हैं, पुट करिए फंक्शन में तीन, तीन माइनस एक, तीन माइनस दो, ये आ जाएगा आपके पास टू अपॉन वन, मतलब आंसर तो पॉजिटिव आया। तो ये वाला इंटरवल अगर पॉजिटिव है तो बचे सारे इंटरवल ऑल्टरनेट होते हैं, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, इतना क्लियर। तो पहले हमने कर रखा है, चेक करो आंसर कैसा मांग रहा है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब आपको आंसर पॉजिटिव चाहिए। यहां जो वाई की वैल्यू होगी वो होगी जिसमें इंटरवल आपका पॉजिटिव है। तो कहां से कहां तक पॉजिटिव है, देखो माइनस इंफिनिटी से वन तक और दो से इंफिनिटी। लेकिन ये ध्यान रखना क्वेश्चन में वाई नहीं है, क्वेश्चन में एक्स है। वाई तो हमने सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए चेंज किया है। तो अब इस आंसर को हम लिखेंगे कैसे, देखो जरा, ये वाई की लिमिट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो वन हो या तो वन से छोटी हो। अब चेक कर लो, वन के बराबर तो नहीं लेना, हाँ बिल्कुल लेना है क्योंकि देखो इक्वल टू लग रहा है। तो क्या लिखेंगे, y की वैल्यू या तो छोटी हो या तो बराबर हो किसके, वन के। भाई वन से इधर तो छोटी वैल्यूज होती है ना, वन के इधर छोटी, तो मैंने y की वैल्यू छोटी या बराबर इसलिए लगा दिया क्योंकि इक्वल टू लग रहा है किसके, वन के। अब या तो टू या टू से बड़ी, तो चेक करो टू के बराबर लेनी है, तो चेक करो y माइनस टू तो डिनोमिनेटर में है ना, और डिनोमिनेटर तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता जीरो के। यहां से कितना आया कि y इज नॉट इक्वल टू टू, कि y दो के बराबर तो नहीं हो सकता। तो पक्की बात है जो y है वो दो से बड़ा होगा लेकिन बराबर आप नहीं लोगे, क्योंकि वो क्योंकि y माइनस टू डिनोमिनेटर में है जो कि जीरो के बराबर नहीं हो सकता। जीरो के बराबर नहीं होगा तो टू उधर आ जाएगा, तो y नॉट इक्वल टू टू आ जाएगा। नॉट इक्वल टू आ जाएगा तो पक्की बात है यहां आपके पास क्या नहीं आएगा, एक इक्वल टू का सिंबल नहीं आएगा। लेकिन चेक करो y तो मॉड x है, ये देखो बदल गया आपका फंक्शन, ठीक है। अब ये समझ लो कि क्वेश्चन आपका यहां पर आ गया है, ये आपका प्लॉट होगा। अब तक हमने जो किया अब उसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, ठीक है। चलो देखो, अगर फंक्शन मॉड में हो तो मॉड हटाया जाएगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो देखो कितना आ गया, x लेस देन इक्वल टू वन माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू वन, तो ये तो फाइनल आंसर है, यहां तो कुछ करने के लिए है नहीं। लेकिन ये नेगेटिव साइन उधर जाएगा, और जब नेगेटिव साइन इनइक्वालिटी के उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, कितना आंसर आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। कैसे, इसके लिए चेक कीजिए, x ग्रेटर देन टू माइनस x ग्रेटर देन टू, तो x ग्रेटर देन टू तो फाइनल आंसर है, इस माइनस को उधर लेके जाइए तो कितना आएगा, x लेस देन इक्वल टू माइनस टू। तो हिसाब से एक दो तीन और चार, इन चारों को हम अपने नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे और वहां से अपना फाइनल रिजल्ट लेकर आएंगे। चारों रिजल्ट्स को मैंने अलग से सेपरेटली लिख दिया है, अब इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। ये बनाई मैंने अपनी नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो सबसे पहले माइनस टू प्लॉट होगा, अभी यहां पर लेस देन ग्रेटर देन के साइन नहीं देखने, सिर्फ अपने क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करने। माइनस टू है, फिर आएगा माइनस वन, फिर आएगा प्लस वन, और फिर आएगा प्लस का टू। अब देखते हैं, चलिए पहले माइनस टू, ये रहा माइनस टू,
माइनस टू बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, सिर्फ गोला ऐसे कर दिया जाएगा, उसे भरा नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस टू से छोटा, अब छोटी वैल्यू कहां जाती है, वो हमारे लेफ्ट में चली जाती है, दो सिर्फ दो के बराबर नहीं है, दो से बड़ा है तो गोला भरा नहीं जाएगा, बड़ा है, बड़ी वैल्यू कहां जाती है, हमारे राइट में। माइनस वन देख लेते हैं, माइनस वन के बराबर बोल रहा है, तो बराबर बोल रहा है तो गोला भर दीजिए, लेकिन माइनस वन से बड़ी, बड़ी हमेशा राइट में जाएगी, ये लीजिए चली गई राइट में, और वन रह गया है, वन बराबर तो वन के भी है, तो फिर बराबर वन है तो ये लीजिए गोला भर दिया, लेकिन वन से छोटी, छोटी वैल्यू कहां जाएगी, लेफ्ट में जाएगी। अब यहां प्रॉब्लम ये है, कोई भी ऐसा इंटरवल नहीं है जहां पर तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो फिर आंसर क्या होता है, आंसर फिर इस तरह का होगा, चेक करो जरा, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा, और ये आपका आंसर होगा, जहां पर दो दो लाइनों ने इंटरसेक्ट किया है और वो जो इंटरवल बने वही आपका आंसर होगा। मतलब पहला आंसर माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, इंटरवल पे आपके ब्रैकेट कौन सा लगेगा, देखो इंफिनिटी पे तो कभी लगता ही नहीं क्लोज, और माइनस टू का गोला भरा नहीं हुआ, ये लीजिए यहां भी ओपन ब्रैकेट, यूनियन माइनस वन से वन, दोनों में क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाए, चेक कर लो दोनों के गोले भरे हुए हैं, यूनियन दो से इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, माइनस वन से वन और टू से इंफिनिटी, जब आपके पास तीनों लाइन इंटरसेक्ट ना करती हो, तो जो दो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जिस जिस इंटरवल में, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया एक्स बिलोंग्स टू ये। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ध्यान से देखो इक्वल में जीरो नहीं है, अगर जीरो नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, तो पहले जीरो ही बनाना पड़ेगा। चलिए उधर लेके आते हैं, तो माइनस वन मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक स्टेप पहले कर लेते हैं, क्या लेट मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए, ठीक है। चलिए एलसीएम लीजिए, एक सिंपल एलसीएम लेते हैं, जैसे आपके पास आएगा माइनस का वन माइनस वाई माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो माइनस वन माइनस वाई प्लस टू वाई माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या आपके पास आएगा माइनस का वाई प्लस का वन अपॉन वाई माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस तरह के क्वेश्चन हमने शुरुआत में किए थे, जब यहां पर नेगेटिव साइन थे तो हम क्या करते हैं, हमेशा नेगेटिव कॉमन लेते हैं, याद रखिएगा ये नेगेटिव कॉमन लेने वाला स्टेप आपको याद होना ही चाहिए। और अब जब इस नेगेटिव को उस तरफ लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स करिए तो y माइनस वन अपॉन y माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद तो ये सिंपल एक क्वेश्चन हो गया कि दोनों को क्रिटिकल पॉइंट निकाल के नंबर लाइन पर प्लॉट करें, तो पहले को अगर जीरो के इक्वल करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट वन आएगा, और डिनोमिनेटर को करेंगे अगर जीरो के इक्वल तो क्रिटिकल पॉइंट टू आएगा। चलिए प्लॉट करते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये वन पहले आएगा टू बाद में। अब तीन इंटरवल बन गए आपके पास, अब तीनों इंटरवल में कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव, बिल्कुल वही नियम। चलिए दो से बड़ा कोई नंबर डाल लेते हैं, तीन पुट करिए अपने फ्रैक्शन में, तो तीन माइनस वन तीन माइनस टू, तो कितना आएगा, ये आएगा टू अपॉन वन, पक्की बात है पॉजिटिव आंसर आया, तो ये इंटरवल पॉजिटिव, तो बचे इंटरवल क्या होंगे ऑल्टरनेटिव साइन के साथ, अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। तो फंक्शन चेक करते हैं कैसा है अपना फंक्शन, देखो लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, अब नेगेटिव कहां से कहां तक है कि y की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, तो लिखने का तरीका देखो 1 हो सकती है 1 से बड़ी हो सकती है, 2 हो सकती है 2 से छोटी हो सकती है, लेकिन देखो ध्यान से जरा इक्वल टू लग रहा है ना, तो 1 के बराबर तो हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है और 1 के बड़ी, क्योंकि वैल्यू कहां से कहां तक है 1 से 2 के बीच में है। अब दिक्कत है कि कहां पर लग रहा है ओपन ब्रैकेट और कहां लगना है क्लोज ब्रैकेट, वही देख रहे हैं, तो चेक करो बराबर है ना, तो बराबर के हिसाब से तो दोनों के पास ही क्लोज ब्रैकेट लगना चाहिए। कर देखो डिनोमिनेटर में y माइनस टू है, तो y माइनस टू क्योंकि डिनोमिनेटर तो कभी जीरो के बराबर होगा नहीं, तो y तो कभी दो के बराबर हो नहीं सकता, तो दो के बराबर नहीं हो सकता, तो पक्की बात है दो पे तो आ जाएगा ओपन ब्रैकेट, लेकिन ये कंडीशन वन के साथ नहीं है, इक्वल टू लग रहा है, यहां आ गया क्लोज ब्रैकेट। तो इसका मतलब ये कैसे लिखा जाएगा कि y की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी लेकिन 2 से छोटी, बराबर नहीं हो सकती। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो इंटरवल 1 से लेके 2 के बीच में है,
वन से बड़ा हो सकता है, टू से छोटा हो सकता है, वन के बराबर हो सकता है, टू के बराबर हो सकता है, लेकिन नहीं, टू के बराबर नहीं हो सकता। बराबर नहीं हो सकता तो देखो मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, वन के बराबर हो सकता है इक्वल टू लगा दिया। लेकिन हमने तो कुछ एज्यूम किया था क्या कि जो मॉड एक्स है वो वाई के बराबर है। तो देखो तो ये कितना आ गया, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मॉड एक्स लेस देन टू। अब यहां से फिर से इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, मॉड हटाकर दो दो कंडीशन आएंगी। चलो पहली कंडीशन सॉल्व करते हैं, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन लिखा है तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन या माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब ये तो फाइनल आंसर हो गया, लेकिन इसका माइनस आपको उधर लेके जाना पड़ेगा। अगर माइनस उधर लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर देंगे। ये लीजिए दो आंसर आ गए। इसी तरह से यहां से भी आएंगे कि x लेस देन 2 और माइनस x लेस देन 2। अब ये तो फाइनल आंसर हो गया, इसका नेगेटिव फिर उधर लेके जाइए, x ग्रेटर देन माइनस 2 इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है, तो चार आंसर हो गए। अब इसको सेपरेटली लिखकर ढंग से आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाकर अपना आंसर निकालते हैं। चलिए चारों को मैंने सेपरेटली लिख दिया है, ये लीजिए ना नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो सबसे पहले माइनस टू आएगा, माइनस वन आएगा, वन आएगा और टू आएगा। तो देखो वन के बराबर वन से बड़ा, तो वन के बराबर है तो गोला भरिए और वन से बड़ा है तो उसके आर एच एस में ले जाइए। ठीक है, सीधे हाथ पर। माइनस वन के भी बराबर है लेकिन माइनस वन से छोटा है, छोटा है तो ये गया उसके लेफ्ट हैंड साइड पर, उसके उल्टे हाथ पर। अब दो से सिर्फ छोटा है, बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो गोला नहीं भरेंगे, लेकिन छोटा है तो छोटी वैल्यू भी इधर ही जाएगी। ठीक है, और माइनस टू के बराबर नहीं है, सिर्फ माइनस टू से बड़ा है तो गोला भरेंगे नहीं, और बड़ा है तो इसके आर एच एस में जाएगा। अब चेक करो कहां पर तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, बिल्कुल यहां पर ऐसा इंटरवल बन रहा है जहां तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो ये और एक देखिए ये। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो माइनस टू से माइनस वन, माइनस वन पे ओपन ब्रैकेट, माइनस वन पे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन वन से टू, वन पर क्लोज ब्रैकेट, टू पर ओपन ब्रैकेट। तो ये आपका फाइनल आंसर आया, माइनस टू टू माइनस वन, माइनस वन पे क्योंकि देखो गोला भरा है, क्लोज ब्रैकेट वन से टू, वन पर क्लोज ब्रैकेट और टू पर ओपन ब्रैकेट। ये लीजिए आ गया फाइनल आंसर।